तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो है शायद यूट्यूब इंडस्ट्री में किसी ने ये चेंज किया होगा, फर्स्ट टाइम मेडिकल का वीडियो बन रहा है और हमारे साथ में अनिकेत भाई है। मेडिकल का लोकेशन नाम वगैरह सब अनिकेत भाई से जानेंगे। रिसेंटली अभी 20 दिन बचे बकरा ईद के लिए, तो हम लोग ने सोचे कि कुछ नया किया जाए। तो हम लोग ने अनिकेत भाई को अप्रोच किया और इन्होंने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने वेलकम किया, हम लोग आ सके और इनका वीडियो कवर कर सके। तो बात करते हैं अनिकेत भाई से। नमस्ते अनिकेत भाई। अनिकेत भाई, अपने मेडिकल का नाम और लोकेशन सबसे पहले ये बता दीजिए कहाँ पे है। अपने मेडिकल का नाम तो रनुजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर है जी। अपना मेडिकल ग्रैंड रोड में पिला हाउस ईस्ट में है। नियर बाय नजमा रेस्टोरेंट एंड जाफर बाय दिल्ली दरबार होटल जी। तो ये काफी फेमस जगह है ना। ओके तो अनिकेत भाई, अभी जैसे बकरा ईद चल रही है तो काफी लोगों ने बकरा ईद की मंडी वगैरह लगाई, और जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग है जो घर पे बकरा लेकर आते हैं खरीद करके, तो हम लोग को आइडिया नहीं होता है, और फार्म वाले भी मोस्टली प्रिफर करते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करना। अभी जैसे आप मेडिकल वाले हो और आप मेडिकल वालों को आइडिया होता है कि कहाँ पे कौन सी दवाई जल्दी मिल जाए, तो इसलिए हम लोग ये पर्पस से आए आपके पास। तो सबसे पहले बताइए कि अपने पास जो सेटअप है अपना एनिमल का मेडिकेशन वगैरह का, ये कब से चला रहे हैं अपन? ये अभी मेरे पास 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, मतलब पूरी नॉलेज अपने पास मेडिकेशन की वगैरह की। तो ए टू जेड दवाई अवेलेबल है जो भी नीडेड है। ए टू जेड है अवेलेबल। अगर नहीं रहेंगे, नहीं जो जैसा कि होता है, कस्टमर आता है और कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है जी, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि एक दिन का टाइम दो और हम लोग को मंगा के दे देते हैं। एक दिन के टाइम में मिल जाता है ना। ओके। और जैसे कस्टमर जैसे बाहर के होते हैं, साउथ ये तो साउथ बॉम्बे, और जैसे कहीं दूर हो गया थाने साइड या साइड, तो अगर कोई आता है तो उसको भी अवेलेबल करवा दूँ? हाँ, अवेलेबल करवा देते हैं और आते भी है। मेरे पास विक्रोली के कस्टमर है, घाटोपर के कस्टमर है, आते हैं और उन लोग हम लोग देते भी है। देते हैं ना। ओके। तो अपना मेन चीज़ जो है, मैं मुझे ये पूछना है कि कौन कौन सी दवाई जो है अगर कोई नया जानवर लेके आता है तो फर्स्टली उसको क्या देना चाहिए? अगर कोई नया जानवर लेके आता है जी, उसको पहला तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर जी, जिससे कि वो उसको कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। अगर इनफेक्ट कोई, अभी ये सीजन ऐसा है, बारिश का मौसम है जी, इसमें ऑलमोस्ट बकरे को सर्दी या बुखार ये सब चलते रहता है। ओके। तो बुखार आता है तो मेलोनिक्स प्लस हाफ हाफ टैबलेट सुबह शाम दो, पायरोसिन 150 वो एक एक गोली सुबह शाम दो। ओके। और उसको अगर जुलाब होता है तो सल्फा डिपेटिन आता है जाइडस कंपनी का, वो उसको हाफ हाफ टैबलेट सुबह शाम दे। ओके। तो ये तीन चीज़ तो कॉमन है, कॉमन है, रेगुलर हर एक बकरा लाता है तो उसको ये रखना चाहिए, रखना चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, साउथ बॉम्बे में काफ़ी मंडियाँ लग रही हैं, जैसे देवनार तो समझिए उधर तो वेट रहते ही हैं, लेकिन अभी साउथ बॉम्बे में काफ़ी मंडियाँ लग रही है, उसमें बकरे उतर रहे हैं, तो खास करके देखा जा रहा है गैस की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी के पैर में मार लग जा रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना चाहिए उनको? गैस हो रही है तो उसको ग्लोटोसिल दो। ग्लोटोसिल दिन में 2 टाइम 20-20 ml, को जैसा कि जानवर अगर 50 अबव है तो जी 20 ml दो, और 50 के नीचे है तो उसको 10 ml दो। तो ये ओरल होता है, ओरल होता है। आप थोड़ी दवाइयाँ भी बता भी दीजिए कि कौन सी दवाई, क्योंकि देख के ग्लोटोसिल, ये ग्लोटोसिल है जी, ये जो गैस के लिए काम करता है। ओके। ये लिवर टॉनिक है, ब्रोटॉन ये भी कॉमन हर एक बकरे को देना चाहिए, देना चाहिए। इसमें विटामिन भी है, इसमें बकरे को भूख भी लगेगी। ओके। और इसमें बकरा आपका फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा। इसके बाद अगर कोई जख्म होता है तो ये टॉपिकल स्प्रे है, ये स्प्रे है, ये स्प्रे मारो उसको, या जैसे मुक्का मार के लिए ये स्प्रे होता है, मुक्का मार के लिए नहीं, बट ये जो घाव होता है उसके लिए आता है, उसके लिए मुक्का मार होता है, तो आप घर पे अपने जैसे कि रेली स्प्रे रहता है रेली तो आप वो रेली स्प्रे यूज कर सकते हो उसके लिए। और अगर उसको जख्म है तो ये हीमैक्स क्रीम है, ये टॉपिक्योर है, ये हीमैग है, ये सब पर्पस उसके लिए आते, उसके लिए कम के लिए आते। ओके। ये पूरा सेक्शन ही उसके लिए, उसके लिए ना। ओके। जैसे कि और अभी अनिकेत भाई कैसा होता है ना, बकरा आता है ना जब नया नया तो थोड़ा ना डाउन रहता है, गैस वगैरह तो वो तो अलग मैटर है, एक कैसा होता है कि रिफ्रेशमेंट, जैसे हम भी किधर से आते हैं ट्रैवल करके तो थक जाते हैं, तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए कि बकरा क्विक खड़ा हो जाए, मतलब जैसे थोड़ा उसकी थकान उसको नहीं लगे, तो क्या देना चाहिए? एक रेस्टोबाल करके सिरप आता है, रेस्टोबाल सिरप करके आता है, वो सिरप पिला उसको, तो उसको मतलब क्या हॉट वाटर में देना चाहिए कि कोल्ड वाटर? नॉर्मल वाटर, डायरेक्ट सिरिंज से आपको पिलाना है, सिरिंज से पिलाना है, तो वो उसमें कोई मिक्स वगैरह नहीं करना चाहिए। ओके। तो उसका पैकेट वगैरह कुछ है अपने पास? ये सिरप है, इसमें अगर आपको चाहिए तो इसमें सब ये दिया हुआ है कि कितना क्या पिलाना है, जैसे कि कोई कोई तो नहीं समझते, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ, दोनों में लिखा हुआ है। ओके। बकरा कैसा बाहर से कभी आता है जी, जी, जी। खड़ा होके आता है तो थक जाता है, तो उसको सिरप पिला के बेस्ट है। और अनिकेत भाई, अभी
बाहर जंगल में बकरे पले होते हैं, उनके बॉडी में मालूम है जू वगैरह होती है, पिस्सू जो होते हैं, तो एक बकरे से दूसरे बकरे में जल्दी लगने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन है अपने पास? एक आता है पर ये थोड़ा जरा सेफली यूज़ करना चाहिए जी, ये बोटॉक्स करके एक लिक्विड आता है, ये पानी में एक लीटर पानी में 3 ml डाला जाता है, एक लीटर पानी में 3 ml डाला जाता है, पर ये थोड़ा हैवी पॉइजन है, हैवी पॉइजन, तो इसको अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको ध्यान रख के यूज़ करना है, तो इसके लिए बेस्ट है बहुत ध्यान से, बहुत बोले तो बहुत ध्यान से। इसके अलावा इसके अलावा एक नॉटिक्स पाउडर करके आता है, जी जी दिखाता हूँ आपको, एक नॉटिक्स पाउडर आता है वो उसको अप्लाई करो, जैसे कि ये प्रोडक्ट है नॉटिक्स पाउडर करके आएगा, ये यूज़ करो इससे भी जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं, खाली अप्लाई करके आपको छोड़ देना है, अप्लाई करके छोड़ देना है, उससे रिमूव हो जाएगा ना टोटली पूरा। ओके, और अनिकेत भाई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेडिकेशन का मुझे जीरो नॉलेज है टू बी वेरी फ्रैंक, तो आप जैसे बकरे लोग नॉर्मली पालते हैं या बकरियाँ पालते हैं, बकरी पालन भी आजकल बहुत चल रहा है, तो जैसे एक बकरी होती है नॉर्मल, उसके दूध वगैरह बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए सर मेरे पास जैसे कि ये ऑस्टोवेट लिक्विड है, ऑस्टोवेट लिक्विड, ये ऑस्टोवेट दिन में उसको दो टाइम 5-5 10-10 ml पिलाना है, 5-5 10 कोई भी ऐसा कोई भी जानवर को, वजन कुछ भी रहे तो भी चलेगा, कुछ भी इसमें उसका वजन का भी ग्रोथ होएगा जी, नॉर्मल जानवर को भी पिलाते हैं तो भी इसका अच्छा ग्रोथ होता है जी, उसका ग्रोथ होएगा, उसका दूध बढ़ेगा, अगर बकरी है तो दूध बढ़ेगा और इसमें कैल्शियम भी अच्छा है जी, तो इसमें बकरा आपका फिट रहेगा, ये प्रोटोन आता है, प्रोटोन का तो मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया जी, ये लीवर 52 हिमालय का, हिमालय का ये तो अच्छा कौन सा होता है, ऑस्टोमेट होता है ये लीवर 52 का होता है, ये लीवर 52 अलग काम करता है, लीवर के लिए काम करता है, ये कैल्शियम और ये उसका दूध के लिए काम करता है, अभी ये जैसे कि एक नया प्रोडक्ट है होस्टे हेस्टर कंपनी का, इसका एक नया कंपनी लॉन्च है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी इसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत शॉर्ट चल रहा है, ये क्लोमोवेट है, ये आता है डीवॉर्मिंग के लिए, डीवॉर्मिंग डीवॉर्मिंग, और ये इसका बहुत सारे प्रोडक्ट शॉर्ट है जी, जैसे क्लोमोवेट मिलता नहीं है पर अभी मेरे पास अवेलेबल है, मैं बहुत सारे मुश्किल से अवेलेबल कराया हूँ जी, जी, एक मल्टी स्टार हैच, ये आपका बकरे, हाँ, बकरे की सिंग वगैरह, सिंग के लिए, उसके जैसे कि उसके बाल में ग्रोथ लाने के लिए, शाइन लाने के लिए, बकरा गेन भी अच्छा होता है इसमें, बहुत सारे कस्टमर को मैंने खुद रिकमेंड किया और सारे बहुत सारे लोग को मेरे को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा, खाली दिन में आपको 5 ml डालना है एक टाइम पे, बस आपको इंशाल्लाह 7 दिन में बकरा आपको रिजल्ट दिखाएगा, 7 दिन में बकरा रिजल्ट, इतना पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल जब अगर हम लोग देंगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, दिन में एक टाइम देना है आप, एक टाइम ही देना है ना, और उसके बदले इसके पीछे आपको लीव 52 या प्रोटॉन चलाना है, एक टाइम पे लीव 52 एक टाइम पे प्रोटॉन दो, उनमें से एक टाइम पे मल्टी स्टार दो। ओके, ये अलग फ्लेवर है चॉकलेट, ये चिलेटेड है, इसमें 17,000 कैल्शियम है जी, और चिलेटेड लेते हो तो इसमें 34,000 कैल्शियम, ओके, तो इसमें ज़्यादा है, हाँ, डबल, मतलब होता है ना कि पावर का फर्क होता है, पावर का फर्क होता है, और जैसे आप बता रहे थे कि डॉग वगैरह की भी आप रखते हो, तो थोड़ा उसमें भी बताइए ना, पर डॉग का कैसा सर, अभी डॉग का मैंने अभी तक जस्ट न्यू चालू किया है, जी जी, मेरा ज़्यादा फोकस वो गोट्स पे था, गोट्स पे, अभी मेरे को अभी एक एक नया नया चालू करने का, तो अभी जैसे कि गोट्स हुआ, कैट अपना डॉग हुआ, कैट हुआ, मैं अभी नया स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा लाइनअप लिया हूँ, अभी जैसे कि अभी नया फूड भी चालू किया हूँ मैंने, पेडिग्री जी, थोड़ा और थोड़ा बढ़ते जाएगा, एक नेक्स्ट वीडियो अपन और एक बना देंगे आपके साथ में जी, जी, पूरा ये हो जाएगा जी जी, उसमें आपको बता देंगे, और एक आपके लिए ये आपने आज मेरे साथ में एक वीडियो बनाया है जी जी जी, तो उसके लिए आपके आपके थ्रू जो भी कोई कस्टमर आता है जी आपके वीडियो के थ्रू, तो मैं ऐसा नॉर्मल तो 10% देता ही हूँ, 10% देते कोई भी कस्टमर आए उसको हम लोग 10% डिस्काउंट देते ही हैं जी जी, आपके थ्रू कोई आएगा जैसे कि आपका वीडियो देखा और वो आया मेरे पास जी, तो उसको मैं 2% एडिशनल 12% डिस्काउंट होगा, ओके, तो मतलब कोई भी दवाई लेता है अगर, कोई भी दवाई वो चाहे वे 10 रुपए का भी ले, उसमें भी मैं 12% मार्केट दूंगा, ओके, और जैसे बहुत सारे कैसे अभी जैसे हम लोग ने मंडी की बात की, स्पेशली बकरा ईद है तो स्टॉक में लगती है दवाई किसी को, तो स्टॉक में भी अपने पास रेडी रहेगा, टोटल स्टॉक में अभी भी है, जैसे कि आप देखेंगे मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन है, वायरोसिन इंजेक्शन है, ये सब इंजेक्शन जो है एक्चुअली आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, और आपको डॉक्टर का भी कोई नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को नंबर, ये वीडियो में आपका नंबर नीचे रहेगा मेरा, वो नंबर में मेरे को कंसल्ट करो, मैं आपको डॉक्टर भी डॉक्टर की भी प्रेफरेंस के भी नंबर रेफरेंस कर दूंगा, उसके थ्रू में आप जो भी उनका चार्जेस रहेगा तो उनको बेयर करना पड़ेगा, वो आप कस्टमर और वो डॉक्टर बात करेंगे, डॉक्टर बात करेंगे, कुछ नहीं बात करेंगे, उनका नंबर प्रोवाइड कर दो, और मेडिसिन वगैरह चाहिए तो यहाँ से लीजिए, आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन आना होगा
ईद तक सिर्फ, ईद तक ये डिस्काउंट आपके आपके लिए खाली ईद तक रहेगा, क्योंकि 20 डेज बचा है और काफ़ी लोगों को ज़रूरत भी पड़ेगी। और ये मेडिकल कहाँ पे, और एक बार बता दीजिए ताकि लोग आपको कांटेक्ट करें। ग्रैंड रोड में जाफर होटल है, जो फेमस होटल है जी, जो सबको मालूम है ऑलमोस्ट। कोई लाइन में किसी को भी पूछेंगे, एक घोड़े का तबेला है जी, जो अपने बाजू में ये नियर है जी, जी घोड़े का तबेले के बाजू में बराबर अपना मेडिकल है, ग्रैंड रोड ईस्ट में जी, रनुजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर। ओके, तो अनिकेत भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने इनपुट दिया मुझे, क्योंकि मुझे जीरो नॉलेज है मेडिकल का, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया। इंशाल्लाह जो लोग जो अभी मंडी वगैरह उतार रहे हैं, आपसे ज़रूर आपके पास आएंगे और आपसे कंसल्ट करेंगे। जो भी है डॉक्टर्स के लिए भी आप हेल्प कर दोगे, और मेडिसिन तो आप पूरा प्रोवाइड कर ही रहे हो लोगों को। तो इंशाल्लाह ईद बाद हम लोग कुछ नए स्कीम लेकर आएंगे आपके थ्रू, ताकि आपका देखिए जितना ज़्यादा हमारे तरफ से आपका प्रमोशन होगा, उतना आपका भी फैसिलिटी बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि ईद बाद एक और एक वीडियो बने आपके साथ में, तो वो हम लोग दूसरे फार्म वालों की स्कीम्स लेकर आएंगे और जो पालते हैं उनके लिए भी स्कीम्स लेकर आएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अनिकेत भाई, ठीक है, चलिए गुड बाय।